अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी तो आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको सेफ्रोन के बेनिफिट्स बताऊँगी। ठीक है, ओके जी, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने एक कप दूध लिया है, उसमें मैं चंद स्ट्रैंड सेफ्रोन को डाल दूँगी। जैसा कि आपको पता है, आयरन होता है इसमें, मैग्नीशियम होता है, आयरन इसमें 61% होता है और मैग्नीशियम इसमें 66% होता है। तो जिन चीज़ों में आयरन बहुत ज़्यादा होता है आपको वो लेने से खून की कमी नहीं होती, और मैग्नीशियम यूज़ करने से, जिन चीज़ों में मैग्नीशियम होता है वो खाने से आप लोगों को एंग्जाइटी या डिप्रेशन नहीं होता। तो उन खवातीन के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है जो डिप्रेशन में हैं, जिनमें एंग्जाइटी है। इसके बाद मैं आपको टेक्सचर लगाने के लिए बताऊंगी कि आप लोग अपना जो स्किन टेक्सचर है उसे कैसे और इन्हेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया पीने के लिए। इसके बाद अब हम तैयार करेंगे अपना फेस सीरम। चलो जी, उसके लिए हमें क्या लेना होगा। उसके लिए सबसे पहले रोज़ वाटर लूँगी, वो आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हो, आपको जितना चाहिए। रोज़ वाटर लेने के बाद आप ले सकते हो, आपको मार्केट से इजीली मिल जाएगा, मैंने तकरीबन सार की शॉप से मंगवाया था। अच्छा जी, रोज़ वाटर लेने के बाद मैंने इसमें कुछ जो स्ट्रैंड्स हैं वो ज़ाफ़रान के डाल दिए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना, 1 से 2 पिंच आपने ज़ाफ़रान लेना है, क्योंकि मुझे ये छोटी सी बॉटल में बनाना था इसलिए मैंने इतना ले लिया। ये देखिए, ज़ाफ़रान मैंने सऊदी अरब से मंगवाया था, मैंने अपने ब्रदर इन लॉ से स्पेशली मंगवाया था सऊदी अरब से। उसके बाद मैंने इसमें डालना है एलोवेरा जेल। ठीक है, एलोवेरा जेल जितना आप लोग रोज़ वाटर लोगे उतनी ही आप एलोवेरा जेल लोगे, वो आप इसमें अच्छे से मिक्स कर लोगे। उसके बाद मैं लूँगी एक वाइटामिन ई कैप्सूल, वो आपको इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। एक मैं इसमें वाइटामिन ई कैप्सूल ऐड करूँगी। ठीक हो गया। अच्छा, सेफ्रन में आपको पहले ही बताया है कि इसमें बहुत अच्छी हीलिंग पावर्स होती हैं, ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हील कर देता है, आपकी एक्नी स्कार्स को भी इवन बहुत अच्छे से हील करता है। जितनी भी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें ये ज़रूर डाला जाता है, इवन कि आपकी स्किन का कोई भी ऐसा इशू हो ये उसे बिल्कुल ख़त्म कर देता है। जी हाँ, आप इसे एक दफ़ा मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें एलोवेरा जेल है, इसमें रोज़ वाटर है, इसमें सेफ्रन है। अगर आप लोगों की एक्नी प्रोन स्किन है तो आप लोग उसके इसमें टी ट्री ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, मेरे पास एक ये खाली बॉटल पड़ी हुई थी, मैं उस सारे को इसमें सेट कर दूंगी और इसे मैं फेस में रख लूँगी। आपको इसमें नज़र आ रहे होंगे उसके स्टैंड, सेफ्रन स्टैंड जी, इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता और चेंज होता जाएगा, ये बहुत ही प्यारा सा येलोश कलर बन जाएगा। इसे मैं अपने हाथ पे भी आपको लगा के दिखाऊंगी, ड्रॉपर की मदद से बहुत आसानी से लग जाएगा। आप लोग इसे अपने फेस पे लगा के थोड़ी सी सर्कुलर लगा के आप मोशन में मसाज कीजिएगा, मसाज करना है उससे अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाएगा। अच्छा जी, अब इसमें मैंने विटामिन ई जो कैप्सूल है वो इसलिए डाला है कि विटामिन ई रिंकल्स और डार्क सर्कल्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप चाहें तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप अपने फेस पे लगा के उसे मसाज करेंगे और अब्सॉर्ब कर लेंगे अच्छे से। आप इसे यूज़ कर सकते हैं, आप दिन में यूज़ कर सकते हैं, आप रात में यूज़ कर सकते हैं, आप डेली नाइट आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये मैंने आपको अपनी बॉटल दिखाई है, ये रोज़ वाटर में मैंने इसके कुछ स्ट्रैंड्स जो हैं सेफ्रन के मैंने डाल के रखे हुए हैं। जब जब मुझे याद आता है मैं अपने फिट से निकाल के या अपने फेस पे स्प्रे कर लेती हूँ, मेरी स्किन जो है इससे बहुत ज़्यादा फ्रेश हुई है। आप लोग जब चाहें आप इसे यूज़ कर सकते हैं, आप दिन में यूज़ करें, आप रात को यूज़ करें, आप इसे किसी भी टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके जी, इसके साथ मुझे इजाज़त दे, आप लोग मुझे अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको ये सीरम कैसा लगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।